पूरे हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज़म या जो भी एक मामूली सी आप देख सकते हैं गायों के लिए भी कत्ल वगारत हो रहे हैं, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चीज़ सेफ़ है वो सिर्फ तेलंगाना में है, जहाँ के मुसलमान सर उठा के जी सकता है और आसानी से, चाहे वो कोई भी कारोबार में रहने दीजिए, चाहे वो छोटे से छोटा कारोबार रहने दीजिए, बड़े से बड़े कारोबार में, या मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से सुकून से एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे शहर में, एक अच्छी रियासत में, और हमारे खासकर KCR साहब की जो रियासत है माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बग़ैर किसी की प्रॉब्लम के ये चीज़ चल रही है और इंशाल्लाह आगे भी वैसी चलेंगी। अब दूसरे स्टेटों की पॉलिटिक्स आप खुद देख सकते हैं कि बिल्कुल, अब हमारी रियासत का जो बॉर्डर है जो कर्नाटका है वहाँ पे फजर की अज़ान तक बैन है, सैरन जैसी चीज़ बैन है, उसके बावजूद भी आज हमारे पास ऐसे लोग हैं जो झूठे चोले पहनकर जो सो हमारी हुकूमत को तनकीद करते हैं। तो मैं वो तनकीद करने वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप बाजू बिल्कुल बाजू रियासत में आप देखिए क्या हाल हो रहा है, जहाँ रियासत जहाँ एक हुक्मरान मुसलमानों के जो दोस्त हैं अच्छी तरीके से रियासत लेकर चल रहे हैं उनको भी आप जो सो तनकीद करते जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग ये चीज़ों से बाशऊर हो जाइए, एक अच्छे हुक्मरान हैं, मुसलमानों को साथ देने वाले हुक्मरान हैं और ये रियासत अच्छी है और अच्छे उसे लेके चल रहे हैं। अभी अपने पास कितने जो है मसाले थे कमेटीज के मामले आपके पास पेंडिंग है, उसको जो है कितना जल्दी जो है अप्रूव कर दिया जाएगा? देखिए सब, रिसेंटली जो रमज़ान, जैसे रमज़ान में पूरा एक दिन बैठ कर हम लोग सुबह 11 बजे से शाम में 5 बजे तक बैठ कर असर तक टोटल 230 एजेंडे हमारे पास थे, जो कि बिल्कुल मसाजिद के थे, पूरे दरगाहों के थे और ख़ासकर कब्रस्तानों की कमेटियों के भी थे। तो ये जितने थे हम हल कर चुके हैं और मेरे ख्याल से और 100-150 एजेंडे अभी बाकी होंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी जल्द से जल्द हम मुकम्मल कर देंगे, क्योंकि बाज़ ऐसे है कोर्टों के ऑर्डर्स भी लेके आए हुए हैं, इलेक्शन कराने के लिए लेके आए हुए हैं, तो ये चीज़ों की तरफ से रुकावा है और इंशाल्लाह ताला वो भी हम जल्द से जल्द वो जल्दी क्लियर कर देंगे। मस्जिद जो रेगुलराइज कराने की जो बात है कि उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या वक्फ बोर्ड इसके लिए सहूलत फराहम करेगा या एक काउंटर करेगा, काउंटर अपने पास रखेंगे या एक फेज मैनर में इसके लिए अवेयरनेस चलाएंगे आप? देखिए सब, काउंटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वक्फ बोर्ड का पूरा महकमा डेली यहीं अवेलेबल रहता है, काम करता है। मैं आप लोगों से जितने भी मसाजिद के ज़िम्मेदार लोग हैं जो कमेटियों के लिए बात करते हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कमेटी बाद में करिए, लेकिन आप पहले मस्जिद का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपसे गुजारिश है कि आप आकर मुकम्मल उसका रजिस्ट्रेशन, जो हमारे पास एक फॉर्म दिया जाता है, वो आके फॉर्म कलेक्ट कर पूरे डिटेल मस्जिद के कब से है कितने